जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर हमें कम टाइम दे रहा है, पार्टनर हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, पार्टनर कम बात कर रहा है, पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टनर हमसे बात करे, हम चाहते हैं कि पार्टनर हमें टाइम दे, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर हमसे दूरी बनाने लगता है। ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस सिचुएशन में आपको आखिर क्या करना चाहिए जब पार्टनर आपको टाइम ना दे। आखिर पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर से क्यों हटता है, पार्टनर क्यों आपसे दूरी बनाने लगता है। वेल, सबसे पहला सवाल, क्या रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आना नॉर्मल है या फिर नहीं? अगर मैं बहुत सिंपल आंसर आपको दूँ तो यस, रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आना नॉर्मल है। आपका रिलेशनशिप हमेशा एक जैसे नहीं चलेगा। हो सकता है कि पार्टनर का धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज हो रहा है, हो सकता है कि पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। अब इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके और उनके बीच में काफ़ी बार फाइट्स हो रही है, उनके लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका ध्यान अभी कहीं और है, वो अपने लाइफ में बिजी है, वो अपने करियर में बिजी है, उनके लाइफ में कोई और भी डिस्टर्बेंस है, जिस वजह से उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। लेकिन अब जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, तब हमें ऐसे लगने लगता है कि पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, पार्टनर हमसे दूरी बना रहा है, पार्टनर जानबूझकर हमसे बात नहीं कर रहा है। और जब भी हम ये सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अटैचमेंट का एक सिंपल सा रूल है, जितना आप जिसके बारे में सोचोगे आपकी अटैचमेंट उतनी ही बढ़ेगी। और जब भी रिलेशनशिप में पार्टनर हमें थोड़ा भी इग्नोर करता है तो ना चाहते हुए भी हम सारा दिन पार्टनर के बारे में ही सोचते हैं, जिस वजह से हमारी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब ये भी समझो कि ये रिलेशनशिप में सिचुएशन आना नॉर्मल ही है। आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे पार्टनर थोड़ा इग्नोर कर रहा है, तो उन्हें स्पेस दो। उस सिचुएशन में आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है जो धीरे धीरे इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, उन्हें मौका दो कि उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आए। ज़बरदस्ती उन्हें समझाकर उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर लाने की कोशिश मत करो। स्पेशली क्या होता है ना, जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर हमें थोड़ा भी इग्नोर कर रहा है, हम उन्हें समझाने लग जाते हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिस वजह से हमें लगे कि उनका ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा। हम उन्हें उस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, हम उस सिचुएशन में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आप ये भी समझो कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी और पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर कर सकता है। इसलिए जब भी आपको ये सिचुएशन लगती है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, कम टाइम दे रहा है, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको अपने साइड से पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्पेस अगर आप उन्हें देते हो, इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहली बात कि कुछ टाइम के बाद उनका ध्यान खुद ही रिलेशनशिप के ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात, आपकी वैल्यू भी कम नहीं होगी, क्योंकि उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर अभी है नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे वो बिजी है, या आपके बीच में कोई फाइट हुई है, या उनके लाइफ में कोई और डिस्टर्बेंस है जिस वजह से वो रिलेशनशिप के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे परेशान होते हैं, रोते हैं, उन्हें कॉल मैसेजेस करते हैं, जिस वजह से वो हमें फिर जानबूझकर इग्नोर करने लगते हैं और हम परेशान होते रहते हैं कि उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क कैसे पड़ेगा, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। जब उनका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आएगा तब आप खुद ही देखना कि वो खुद ही अच्छे से बातचीत करने लगेंगे। लेकिन ये होगा कब, जब आप उन्हें टाइम दोगे, जब आप उन्हें टाइम दोगे तभी उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। इसीलिए आप अपने साइड से पहले खुद उन्हें मौका दो। अगर वो थोड़ा इग्नोर भी कर रहे हैं ना, कुछ दिनों तक करने दो, 3-4 days या 1 week में कुछ हो नहीं जाएगा। इसीलिए पहले आप उन्हें थोड़ा मौका दो। जब आप उन्हें मौका दोगे ना, आप देखना खुद ही वो आपके पास आ जाएंगे। समझाने की कोशिश करोगे तो उन्हें रीज़न मिल जाएगा आपको इग्नोर करने का, वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। वेल, दूसरी बात, थोड़ा ना उनके लाइफ को भी समझने की कोशिश करो,
और इस बात को समझो, क्या वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं या सच में उनके लाइफ की सिचुएशन ही वैसी है। मान लो वो सारा दिन से बिजी है, लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो आपसे बातचीत करते हैं। हो सकता है बातचीत कम हो रही है इस वजह से आप परेशान हो, लेकिन आप थोड़ा उनके साइड से भी सोचो, क्या वो सच में अपने लाइफ में बिजी है? क्या सच में उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है? क्या वो सच में आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? वो जानबूझकर आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, जानबूझकर आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? तो ये कब पता चलेगा? जब आप एनालाइज करोगे, और एनालाइज शांत रह के ही आप कर सकते हो। उनके लाइफ के पैटर्न को समझो। आप अपने साइड से जब न्यूट्रल बिहेवियर रखते हो, यानी कि जब आप कुछ कहते नहीं हो उन्हें, आप उन्हें मौका देते हो कि वो खुद आगे से आकर बातचीत करें, तो आप ये भी चीज़ देखोगे क्या वो आपको टाइम दे रहे हैं या फिर नहीं। हो सकता है धीरे धीरे वो आपको टाइम देना स्टार्ट करे, लेकिन हम क्या करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ना, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। मान लो वो सारा दिन से बिजी थे, अब आपकी इच्छा तो हो रही थी कि आपकी बातचीत हो, लेकिन सारा दिन से आपकी बातचीत नहीं हुई। अब मान के चलो कि नाइट में उनका कॉल आया, अब हम तो उनका वेट कर रहे थे, इसलिए हम फाइट करने लगते हैं कि आपने दिन भर से आज मैसेज नहीं किया, आपने कॉल नहीं किया, आप तो इग्नोर करते हो, आप मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करते हो। ये गलत है। आपको पहले ये एनालाइज करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, उन्होंने सारा दिन तो कॉल नहीं किया, वो रात को आपसे कैसे बात करते हैं? अगर वो रात को अच्छे से बातचीत करने लग जाए, तो आप समझ जाओ कि सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप रात में डिस्कस करोगे कि सारा दिन आपने क्यों कॉल मैसेज नहीं किया, तो फिर वो नाइट में भी आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको अपनी अटैचमेंट को यहाँ पे थोड़ा तो बचाना ही होगा। आपको यहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना होगा। पहले जब आप उन्हें खुद ही मौका दोगे कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितने टाइम वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आप बेस्ट बन जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडजस्ट करो कि जब उनके पास टाइम है तब आप बात करो, जब उनके पास टाइम नहीं है तब आप बातचीत ना करो, लेकिन अगर उनके लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो आप उनको इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। और आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उससे पहले आप खुद की वैल्यू और खुद की रिस्पेक्ट बचा रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वरना वो बिजी है और सारा दिन आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका ध्यान तो आपके ऊपर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ बिजी है उनका ध्यान वहाँ पे रहेगा। वो काम में बिजी हो सकते हैं, वो स्टडी में बिजी हो सकते हैं, वो बिजनेस में बिजी हो सकते हैं, वो ट्रैवलिंग में बिजी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न है। तो वहाँ जब वो बिजी है, वहाँ पर आप उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको वहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी समझाने की कोशिश नहीं करनी है। इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। एट द एंड अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सही तरीके से उन्हें टाइम भी दे दिया, आपने स्पेस भी दे दिया, आपने ज़्यादा समझाया भी नहीं, आपने निगेटिविटी के साथ भी नहीं समझाया, शांत रहकर समझा दिया, जितना आप कर सकते थे उतना सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है डायरेक्टली इस टॉपिक पे, और आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम हो गया है उनका ध्यान आपके ऊपर आ ही नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है वो आपसे बातचीत कर ही नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। फिर उस सिचुएशन में आप अपने साइड से ये समझ जाओ कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या फिर उनका ध्यान कम्प्लीटली आपके ऊपर नहीं है। अब इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, शायद कुछ आपकी गलतियाँ हो सकती है जिस वजह से आपकी वैल्यू कम हो गई थी, जिस वजह से वो परेशान हो गए थे इसीलिए उन्होंने आपको टाइम देना ही बंद कर दिया, या उनका ध्यान कहीं और है, उन्होंने कहीं और रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, या उनका ध्यान कम्प्लीटली आपके ऊपर से हट गया है। लेकिन इस सिचुएशन को अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि उनका ध्यान आपके ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा कम्युनिकेट करो, थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करो उनसे, और क्लियरली उन्हें ये बताओ कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। अगर वो वहाँ पे भी क्लैरिटी देते हैं कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे ब्रेकअप ही करना है, तो फिर आपको ब्रेकअप के लिए भी आगे बढ़ना होगा। इसीलिए अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है, तो सिचुएशन को इतना ख़राब होने ही मत दो, स्पेस देने से मत डरो। हम सोचते हैं कि वो बिजी है तो वो हमें भूल जाएंगे, लेकिन जब वो बिजी होते हैं और उस वक्त जो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उस वजह से वो उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए पार्टनर जब भी बिजी हो या उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, तो उनके लाइफ में इन्वॉल्व खुद को नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अगर आप इन्वॉल्व करते हो, देन ट्रस्ट मी, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सब करना, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप
कि सिचुएशन कंट्रोल में है तो जैसे मैंने बताया वैसे उन्हें स्पेस दो, धीरे धीरे उनके लाइफ को एनालाइज करो, सच में ये देखो क्या वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो सच में बिजी है। अगर वो सच में बिजी है लेकिन आपको टाइम दे रहे हैं तो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बेटर हो ही जाएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है वो फिर भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो बातचीत करके डिसीजन लो। अगर वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर आपको ब्रेकअप के बारे में सोचना ही होगा। वेल अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।